हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे केबिन क्रू के जॉब के बारे में। हम जानेंगे कि इस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ये जॉब एक्चुअल में होती क्या है, ये एक एयर होस्टेस की जॉब से कैसे अलग है या फिर नहीं है, और आखिर में हम जानेंगे कुछ ऐसे इंटरव्यूज क्वेश्चन के बारे में जो कि आपको मदद करेंगे इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करने में। तो हम स्टार्ट करते हैं। Myself, Anjali Tomar, HR Manager at Aircrews Aviation Private Limited. तो एक केबिन क्रू क्या होता है? एक केबिन क्रू उन फ्लाइट अटेंडेंट्स को कहते हैं जो कि उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जो कि पायलट्स या फिर को पायलट्स के द्वारा दिए जाते हैं जो कि उस फ्लाइट में कॉकपिट में प्रेजेंट होते हैं। वो सारे पैसेंजर्स की सेफ्टी और कंफर्ट के लिए अटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो सारे पैसेंजर्स को उनकी सेफ्टी के बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्म करते हैं। ज्यादातर मेल फ्लाइट अटेंडेंट्स को होस्ट कहा जाता है और फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट्स को हम हॉस्टेस की तरह रेफर करते हैं। तो एक केबिन क्रू और एयर होस्टेस में क्या अंतर होता है? तो बेसिकली एक केबिन क्रू और एयर होस्टेस में कोई फर्क नहीं होता। ये सिर्फ दो अलग वर्ड्स हैं जो कि एक ही जॉब प्रोफाइल को डिस्क्राइब करते हैं। एक एयर होस्टेस या फिर केबिन क्रू का टास्क मेनली पैसेंजर्स को और उनकी सेफ्टी को देखना होता है। तो अब हम जानते हैं कुछ केबिन क्रू के रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो मेनली आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए, आपकी एज मिनिमम 18 प्लस होनी चाहिए। अगर हम फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट्स के बारे में बात करें तो उनकी हाइट 5 feet 3 inches से लेकर के 6 feet 3 inches तक होनी चाहिए इन जनरल, जो कि फ्लाइट टू फ्लाइट या फिर एयरलाइंस टू एयरलाइंस डिफर कर सकती है। अगर हम मेल फ्लाइट अटेंडेंट्स के बारे में बात करें तो उनकी हाइट 5 feet 7 inches से लेकर के 6 feet 3 inches तक होनी चाहिए, जो कि अगेन एयरलाइंस टू एयरलाइंस डिफर करती है। आपके बॉडी पर कोई भी विजिबल टैटूज या फिर स्कार्स नहीं होनी चाहिए। आपको बेसिक एमएस ऑफिस स्किल्स बेसिकली यूज करते आना चाहिए। आपका अप्रोच बहुत ही कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि जो भी पैसेंजर्स उस फ्लाइट में हैं उनके प्रति आपका अप्रोच बहुत ही हॉस्पिटेबल और जनरस होना चाहिए। आपको एक क्लीन और प्रोफेशनल अपीयरेंस मेंटेन करना चाहिए फॉर अ हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन इनसाइड द फ्लाइट। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी एक्सेप्शनल हो ये एक्सेप्ट किया जाता है, साथ ही आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। आपको कूल टेम्पर्ड होना चाहिए और साथ ही काफ़ी पेशेंट भी होना चाहिए, ताकि आप जितने भी इश्यूज हो फ्लाइट पर उन्हें आसानी से रिजॉल्व कर सकें। साथ ही आपके पास केबिन क्रू ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम जानेंगे केबिन क्रू के कुछ इम्पोर्टेंट और नेसेसरी ड्यूटीज के बारे में। तो आपको अपनी ड्यूटीज के बारे में अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए उस जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले ही, ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें। आपको पैसेंजर्स के सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करना है। आपको उनके सारे जवाब और सवालों का आपको उनके सारे सवालों का जवाब देना होता है, ताकि आप उनको प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें उनकी सेफ्टी और उनके कंफर्ट के रिगार्डिंग। आपको एक बार केबिन को चेक करना होता है बिफोर द टेक ऑफ, ताकि आप सारी सेफ्टी गाइडलाइंस या फिर रेगुलेशंस को इंश्योर कर सकें।
आपको अपने पैसेंजर्स को काफी वार्मली वेलकम करना चाहिए और उन्हें अपनी सीट्स तक ले जाने के लिए हेल्प भी करनी चाहिए। आपको उन्हें फूड और बेवरेजेस सर्व करने होंगे। आपको उनको सारे सेफ्टी प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड मैनर में प्रेजेंट करने होंगे। आपको केबिन क्रू को फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करना होगा फ्लाइट के एंटायर ड्यूरेशन के लिए। आपको काम रहना होगा और असिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा सारे इमरजेंसी सिचुएशंस में जो कि कई बार अकर हो सकती हैं। आपको उन पैसेंजर्स को पर्टिकुलर अटेंशन देना चाहिए जो कि डिसेबल्ड है, एल्डर्स है या फिर चिल्ड्रन है। आपको सारे रिपोर्ट्स एक्यूरेटली प्रिपेयर करने चाहिए सारे सिग्निफिकेंट इश्यूज के लिए जो कि फ्लाइट के दौरान अकर हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है बाय द एस्पिरेंट्स ऑफ द केबिन क्रू जॉब प्रोफाइल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज स्विमिंग नेसेसरी फॉर केबिन क्रू? तो स्विमिंग वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं होती है कई बार, और आपके इंटरव्यू के दौरान कभी भी या फिर जब आप रिक्रूट किए जाते हैं आपका स्विमिंग टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जब आपको केबिन क्रू लाइसेंस ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप पानी में तैरने से या फिर स्विमिंग से डरते नहीं हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इजीली स्विम कर सकें। केबिन क्रू के जॉब प्रोफाइल कोई इजी जॉब नहीं है और ये आपसे काफी हार्ड वर्क रिक्वायर करती है जो कि इरेगुलर वर्किंग आवर्स को भी मेंटेन करती है। ये जॉब एक काफी अंडररेटेड जॉब है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि केबिन क्रू जॉब का मतलब है फूड और बेवरेजेस सर्व करना, बल्कि केबिन क्रू की जॉब इससे कई ज्यादा होती है क्योंकि उनके हाथ में सारे पैसेंजर्स की सेफ्टी और कंफर्ट की जिम्मेदारी होती है जो कि अपने आप में बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। अगला क्वेश्चन है कि एयरलाइंस में मैरिड कपल्स को या फिर मैरिड कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है या फिर नहीं? ज्यादातर एयरलाइंस में ऐसे कोई रिटन रूल या रेगुलेशंस नहीं है जो कि इसके अगेंस्ट हो, लेकिन कुछ एयरलाइंस में ऐसे क्लॉजेस हैं कि सिर्फ अनमैरिड कपल्स या कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो कि इस जॉब के लिए एलिजिबल हों। बेनिफिट्स ऑफ केबिन क्रू जॉब्स। तो ऑल्दो ज्यादातर केबिन क्रू आपको ये कहेंगे कि इस जॉब का मेन पर्क है कि आपको पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने को मिलेगा, पर इसके अलावा भी कई अननोन पर्क्स है या फिर बेनिफिट्स है जो कि आपको इस जॉब में मिलेंगे। केबिन क्रू के जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें? तो अप्लाई करने से पहले आपको अपने सारे रिक्वायरमेंट्स के बारे में थरीली चेक कर लेना चाहिए। आपको अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को एक बार मैच कर लेना चाहिए अप्लाई करने से पहले। इन रिक्वायरमेंट्स के लिए आप डायरेक्टली एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं जिस भी एयरलाइन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे डिटेल वर्जन में दिए जाते हैं। आप इंस्टीट्यूट्स के थ्रू जो कि इन प्रोफाइल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इन सब जॉब प्रोफाइल्स के बारे में डिटेल में पता कर सकते हैं। आप कई तरह के जॉब साइट्स पे इसके बारे में पता कर सकते हैं या फिर आप वॉक इन इंटरव्यूज ले सकते हैं। अब हम जानेंगे टाइम ड्यूरेशन के बारे में जो कि एक केबिन क्रू के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो द मैक्सिमम ड्यूटी आवर्स जो कि DGCA के द्वारा फिक्स्ड है वो मैक्सिमम हो सकते हैं 22 आवर्स जो कि लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में रिक्वायर्ड होते हैं। ऑल्सो
अगर आप लगातार बैक टू बैक दो फ्लाइट्स लेते हैं तो आपको आपकी ड्यूटी 12 AM और 5 AM लोकल टाइम के बीच में ही होनी चाहिए। अब हम जानेंगे ज्यादातर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो इन कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें? तो सबसे पहले आप अपने जॉब के बारे में अच्छे से जान लीजिए, ताकि अगर इंटरव्यू में आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी सवाल किया जाए तो आप उसके बारे में, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिक्वायरमेंट्स के बारे में ईजिली कम्युनिकेट कर सकें। आप ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी इन सिमिलर फील्ड्स में काम कर रहे हों, ताकि आपको एक डायरेक्ट इंसाइट मिल सके इन काम और इसकी जिम्मेदारियों के बारे में। आपके लैंग्वेज में फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको मल्टीटास्किंग होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है एक कैबिन क्रू के लिए। आपको फ्रेंडली, हॉस्पिटेबल, जनरस और हेल्पफुल होना चाहिए, ताकि आप लोगों की इजीली मदद कर सके और वो आपको अप्रोच कर सके। आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी होना चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा बहुत ही जनरस, फ्रेंडली होनी चाहिए। इंटरव्यू में इन जनरल कितने राउंड्स होते हैं? तो अगर जनरली बात करें तो इंटरव्यू में मेनली 4 राउंड्स होते हैं। पहला इज द पर्सनल इंटरव्यू, सेकेंड इज द GD या फिर ग्रुप डिस्कशन, थर्ड रिटन ग्रामर और इंग्लिश टेस्ट, और लास्टली द स्काई चेक टेस्ट। आप इस जॉब से लगभग कितना अर्न कर सकते हैं? तो ये लार्जली डिपेंड करता है इस बात पे कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं और आप किस एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। थैंक यू सो मच।